होती क्या है। अब मुझे कोई बताएगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होती क्या है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आपको क्या इंफॉर्मेशन देगी? कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कि आपको इंफॉर्मेशन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से नहीं मिली थी। थर्ड आप सेकंड आपका ये बताएगा अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो ज्योमेट्री कौन सी होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर। ये इंफॉर्मेशन भी आपको वीवीटी से नहीं मिली थी, ये इन्फॉर्मेशन भी आपको देगी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसमें आपने कल पढ़ा था कि एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल होती क्या है, हर एक ऑर्बिटल की डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी है, एस की अपनी है, डी की अपनी है और पी की अपनी है। जो डी ऑर्बिटल है उसमें टोटल 5 सब ऑर्बिटल्स आते हैं, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। कल आपने ये भी पढ़ा था कि इनकी स्प्लिटिंग जो है वो इनके एक्सिस के अराउंड होती है, अगर इनके अराउंड पूरा सिमेट्रिकल एरिया है तो इनके बीच में एनर्जी क्या रहेगी, सिमिलर रहेगी। और जैसे ही इनका एसिमेट्रिकल एरिया आ जाता है तो इनके एनर्जी क्या आ जाती है, डिफरेंट। अगर डिफरेंट एनर्जी होगी तो डी ऑर्बिटल्स क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे बिटवीन द टू स्टेट। जो आपने कल पढ़ी थी स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, जो आपने डी एंड एफ ऑर्बिटल्स में भी पढ़ी थी, डी एंड एफ चैप्टर में पढ़ी थी, वहां पे डीडी ट्रांजिशन, ये वही डीडी ट्रांजिशन है। डीडी ट्रांजिशन होता कैसे है, दैट डिपेंड्स अपॉन द क्रिस्टल फील्ड, उनके अराउंड का क्रिस्टल फील्ड कैसा है। अगर वो एसिमेट्रिकल एरिया है तो उनकी ट्रांजिशन स्प्लिटिंग हो जाती है इनटू द टू स्टेट, जिनका जो अलोंग द एक्सिस है उनकी एनर्जी क्या रहेगी, हाई एनर्जी रहती है, और जो डिफरेंट एक्सिस में आती है उनकी एनर्जी क्या रहती है, लो। तो कहां तक लिखा था कल, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इन केस ऑफ नेगेटिव लिगेंड, नीचे क्यों, अभी क्लास लगी है, क्लास में बैठो, घर जाना है, जाओ लिखिए। इन केस ऑफ नेगेटिव लिगेंड, नेगेटिव लिगेंड मतलब एनायनिक लिगेंड कोई अगर प्रेजेंट होगा तो मेटल और लिगेंड के बीच में जो इंटरेक्शन होगी दैट विल बी द आयन आयन इंटरेक्शन। अगर लिगेंड नेगेटिव है मतलब एक के पास नेगेटिव चार्ज है, एक के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो कौन सा इंटरेक्शन हो गई, आयंस, आयंस में कन्वर्ट है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो इनकी इंटरेक्शन होगी आयन आयन इंटरेक्शन। और यही अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल के ऊपर बेसिकली चार्ज होता है पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव। अगर कोई न्यूट्रल लिगेंड प्रेजेंट होगा तो उनके बीच में इंटरेक्शन होगी आयन डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल का मतलब है पार्शियली पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्जेस। तो लिखो इन केस ऑफ नेगेटिव लिगेंड्स दैट इज एनायनिक लिगेंड्स द इंटरेक्शन विद द मेटल आयंस आर The interaction with the metal ions are ion-ion interaction. With the metal ligands are ion-ion interaction. Next point. If the ligands are neutral, then the interaction with metal ion, then the interaction with metal ion are ion dipole interaction, ion dipole interaction. अब ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, एक है ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड और दूसरी है टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड। अब जब ऑक्टाहेड्रल की होगी तब उनकी स्प्लिटिंग डिफरेंट होती है और जब टेट्राहेड्रल होती है तो उनकी स्प्लिटिंग क्या होती है, डिफरेंट होगी। अब हम इन दोनों केसेस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले लिखिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इन ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटीज, कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। अब बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल की। मान लीजिए ये मेरी दुश्मन है, ठीक है,
मैं यहाँ खड़ी हूँ, मेरा दुश्मन अगर यहाँ से क्रॉस होगा तो हम दोनों के बीच में जो रिपल्शन होगी डेट विल बी हाई, उसका अग्रेसिवनेस और मेरा अग्रेसिवनेस भी इंक्रीज करेगा। यही दुश्मन अगर मेरा, मैं यहाँ खड़ी हूँ और वहां से चुपचाप चला जाए तो हमारे बीच में रिपल्शन क्या होगी, डिक्रीजेस, हमारे बीच में कोई रिपल्शन नहीं होगी। यही केस आता है ऑक्टाहेड्रल में, जब सेंट्रल एटम के पास लिगेंड्स आते हैं तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो जाती है। ये सेंट्रल एटम के अपने लिगेंड है, ये सेंट्रल एटम के अपने इलेक्ट्रॉन है, ये लिगेंड्स इनके पास आ रहे हैं। अब दोनों इलेक्ट्रॉन जब पास आ रहे हैं तो दोनों के बीच में रिपल्शन होगी, और जैसे रिपल्शन होगी वैसे उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, हाई। एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। एनर्जी इंक्रीज होगी मतलब उनका लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अब यहाँ पे करते हैं डी ऑर्बिटल्स की बात। एक आपके आते हैं अलोंग द एक्सिस, एक आपके आते हैं डिफरेंट द एक्सिस, मतलब दो एक्सिस के बीच में लाई करेंगे आपके लोब्स, या एक्सिस के अलोंग द एक्सिस आपके लोब्स एंटर करते हैं। यही पढ़ा था। जब बात करते हैं आपकी अलोंग द एक्सिस, जब ये आपका सेंट्रल एटम है, इसके अपने एक्सिस के इलेक्ट्रॉन उसी के ऊपर लाई कर रहे हैं, दोनों के बीच में रिपल्शन क्या होगी, ज्यादा होगी। जब रिपल्शन ज्यादा होगी तो जो अलोंग द एक्सिस ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, अपवर्ड, और जो सेंटर ऑफ द एक्सिस आएंगे उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड। तो स्प्लिटिंग हो जाएगी इनटू द टू सेट। पहले पांचों के पांचों एक स्टेट में थे, अब कितने स्टेट में चले जाएंगे, टू स्टेट में, एक नीचे और एक ऊपर स्टेट में। जो अप वाली स्टेट है उसे बोला जाता है ईजी, और जो लोअर वाली स्टेट आती है उसे बोला जाता है टी टू जी। तो लिखिए इन ऑक्टाहेड्रल में द कन्वर्जन ऑफ 5d जनरेट डी ऑर्बिटल्स, द कन्वर्जन ऑफ 5d जनरेट डी ऑर्बिटल्स ऑफ द मेटल आयन इनटू द डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्बिटल इनटू द डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्बिटल हैविंग डिफरेंट एनर्जीज इन द प्रेजेंस ऑफ हैविंग डिफरेंट एनर्जीज इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द लिगेंड इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। अब ये है आपके डी ऑर्बिटल्स, दीज आर द डी ऑर्बिटल्स। जैसे इनके पास क्या है, लिगेंड्स, इनकी एनर्जी क्या आ जाएगी, लिगेंड्स आए इनके बीच में रिपल्शन हो रही है तो एनर्जी क्या आ जाएगी, इनकी इंक्रीजेस। तो ये पहुंच के अपनी एवरेज एनर्जी पे, डायग्राम बना लो साथ साथ में। बेटा सिर्फ डायग्राम बनाने के लिए बोला है, मुंह चलाने के लिए नहीं बोला तुम लोगों को।
एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड. Splitting of d orbitals in octahedral coordination entities. अब दिस डेल्टा ओ क्या है, इनके बीच की एनर्जी, इनके बीच की जो एनर्जी है T2G और EG के बीच की जो एनर्जी है उसे डिनोट किया जाता है डेल्टा ओ से. इधर ओ स्टैंड फॉर ऑक्टाहेड्रल, अगर यहाँ पे T लिखा होगा तो T स्टैंड फॉर टेट्राहेड्रल. तो लिखिए, बना लो टू बाय फाइव ऑफ डेल्टा ओ एंड 3/5 ऑफ डेल्टा ओ. कोऑर्डिनेशन एंटिटीज, अब कोई मुझे बता सकता है यहाँ पे 3/5 क्यों आया, 2/5 क्यों आया? आपके ऑर्बिटल तो ऊपर दो गए तो यहाँ पे 2/5 होना चाहिए था, और नीचे तीन आया तो यहाँ पे 3/5 होना चाहिए था, तो ये ऑपोजिट क्यों है? ऊपर को इनकी एनर्जी इंक्रीज कर रही है, तो एनर्जी कितने की इंक्रीज हुई है? दो की. तो यहाँ पर 2/5 आना चाहिए था, डिक्रीज कितने की हुई है? तीन की. तो कितना आना चाहिए था? 3/5. तो ये ऑपोजिट क्यों है? डायग्राम को देख के तो ऊपर होना चाहिए था 2/5 और नीचे होना चाहिए था 3/5, तो ऐसा क्यों है? अब इन तीन की एनर्जी किसके कंपेरिजन कम हुई है? इन तीन, अब ये पहले थे इस स्टेट में, पांचों के पांचों यहाँ थे, अब जो दो ऊपर गए हैं वो किसके कारण गए हैं, किनके एनर्जी कम हुई है जिसके कारण वो ऊपर गए हैं? इन तीन की एनर्जी कम हुई इसलिए जो दो थे वो ऊपर चले गए, तो ये आया है 3 तो, और 2 यहाँ पे आया है कि इन 2 के कारण इनकी एनर्जी क्या थी? लेस थी, तो आया यहाँ पे 2. अगर जिनके कारण इनकी एनर्जी इंक्रीज हुई है दैट विल वैल्यू कम ऑन द अबव, और जिनके कारण इनकी एनर्जी कम हुई है उनकी वैल्यू आती है नीचे. ठीक है, तो 2/5 एंड 3/5 बन गया डायग्राम, बन गया बेटा डायग्राम. लिखिए द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू सेट्स, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू सेट्स ऑफ एनर्जी, two sets of energy level is known as crystal field splitting energy. And it is represented as delta O, where The subscript O stand for octahedral. O stands for octahedral. This delta O tells us about the magnitude
ऑफ क्रिस्टल फील्ड मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग स्प्लिटिंग मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग दिस द थ्री सेट्स द नेक्स्ट पॉइंट द थ्री सेट्स ऑफ ऑर्बिटल द थ्री सेट्स ऑफ ऑर्बिटल ऑफ लोअर एनर्जी आर नोन एज टी टू जी सेट आर नोन एज टी टू जी सेट सबस्क्रिप्ट पे लगाना है ये टू जी एंड द टू ऑर्बिटल्स ऑफ हायर एनर्जी आर नोन एज ई जी सेट ई जी सेट नेक्स्ट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज स्पेक्ट्रो केमिकल सीरीज अभी जो स्पेक्ट्रोकेमिकल अरेंजमेंट गिवन है ये आपको बताएगी वीक लिगेंड कौन से हैं और स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन से हैं जो कि आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं बता पाई थी कि वीक कौन से हैं और स्ट्रॉन्ग कौन से हैं आप जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में वो डायग्राम बना रहे थे जिसे आप फाइंड आउट कर रहे थे उनका नेचर उनकी हाइब्रिडाइजेशन एंड उनकी ज्योमेट्री वहां पे आप बोल रहे थे कि जो वीक लिगेंड्स होंगे वो पेयर अप नहीं करते हैं और जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो पेयर अप कर जाते हैं बट वहां पे तो कोई इन्फॉर्मेशन गिवन ही नहीं थी कि कौन से वीक है कौन से स्ट्रॉन्ग है तो आपको कैसे लगेगा पता कौन पेयर करेगा कौन अपने इलेक्ट्रॉन्स को पेयर नहीं करेगा ये चीज सीरीज जो थी ये आपको गिवन हुई बाय द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इसके बारे में क्रिस्टल फील्ड ने बताया एक्सपेरिमेंटली ये फाउंड आउट हुआ कि जो ये अरेंजमेंट होगी दैट विल डिपेंड अपॉन द डेल्टा ओ वैल्यू जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा दैट विल बी द स्ट्रॉन्ग फील्ड और जिनका ये मैग्नीट्यूड कम होगा वो कौन से होंगे वीक लिगेंड्स तो लिखिए द लिगेंड्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड ऑफ are arranged according to the magnitude of delta O and this arrangement is known as spectrochemical arrangement. This arrangement is known as spectrochemical arrangement or series Therefore, the increasing order will be series. Therefore, the increasing order will be the increasing order will be ये increasing order लिख लो EDTA, ethylene diamine tetraacetic acid. These are weak ligands and these are strong. Water से इस तरफ सारे ligands जो हैं that are weak ligands और water के इस तरफ सारे ligands क्या हैं strong ligands. This EDTA stand for ethylene diamine tetraacetic acid. लिख लो इसकी full form भी. EDTA ethylene
डाइअमाइन टेट्राएसिटिक एसिड, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसिटिक एसिड। जैसे इथाइलिन डाइअमाइन का स्ट्रक्चर होगा, वहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आप क्या लगा दोगे, एसिटिक एसिड। बनाइए जरा इसका डायग्राम। नोटबुक चाहिए। कौन सी नोटबुक? अदिति अपनी नोटबुक दे देना इसको, ठीक है? ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइलिन डायअमाइन टेट्राएसिटिक एसिड। इथाइलिन डायअमाइन का आप लोगों ने बनाया ना, CH2 CH2 NH2 NH2। नाइट्रोजन के चारों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो और वहां पे क्या लग जाएंगे, एसिटिक एसिड। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड? CH3COOH। बनाइए अब। CH2 N और N, इथाइलिन डायअमाइन का क्या करा था आपने, CH2 CH2 NH2 NH2, यही फॉर्मूला था, NH2 CH2 CH2 NH2। इथाइलिन डायअमाइन का वैसे बना दिया। अब जो हाइड्रोजन इसके साथ थे उनको रिप्लेस करके क्या लग गया है, एसिटिक एसिड। तो यहां पे लग जाएगा CH2 COO negative CH2 COO negative। This is ethylene diamine tetraacetic acid. नेक्स्ट इज अ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एंड पेयरिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एंड पेयरिंग एनर्जी। बनाइए अब ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एंड पेयरिंग एनर्जी। अब बात स्प्लिटिंग के बारे में आपने पढ़ लिया कि ऑक्टाहेड्रल में कैसे स्प्लिट होंगे आपके डी ऑर्बिटल्स। अब इनके पास इलेक्ट्रॉन कैसे एंटर होंगे, आप लोगों ने रूल पढ़ा था, हंस रूल। हंस रूल क्या बोलता है, सबसे पहले सिंगली पेयर करेंगे, उसके बाद आपकी क्या चलेगी, पेयरिंग। पहले क्या करना है, हर एक ऑर्बिटल में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करना है। अब ये मान लीजिए ये आपके आगे ईजी वाले और ये आगे T2G, यही था स्प्लिटिंग करके, तीन नीचे थे दो ऊपर थे। मान लीजिए आपके डी ऑर्बिटल में पहला इलेक्ट्रॉन आएगा, कहां जाएगा पहला इलेक्ट्रॉन, कहां जाएगा ईजी में। दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो आया डी के पास वो कहां जाएगा, ईजी में। थर्ड इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, ईजी में। अब आ गया फोर्थ इलेक्ट्रॉन, अब ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, T2G में या यहीं पे पेयरिंग करेगा, यहां पे पेयरिंग करेगा या T2G में जाएगा, ऊपर जाएगा। अब यहां पे टू पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो ऊपर जा सकता है या तो पेयर कर सकता है, दोनों रीजन हो सकते हैं, या तो डायरेक्टली यहां जाएगा या डायरेक्टली यहां पेयर करेगा। अब ये डिपेंड करेगा इसकी पेयरिंग एनर्जी के ऊपर और इसका मैग्नीट्यूड के ऊपर, डेल्टा नॉट, ये डेल्टा जीरो और पी की वैल्यू कैसी है। अगर इसकी पेयरिंग एनर्जी कम होगी एज कंपेयर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड, अगर डेल्टा ओ की वैल्यू इसकी ज्यादा है और पेयरिंग एनर्जी कम है
तो वो कर जाएगा पेयर, और अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू डेल्टा हो तो वो चला जाएगा ऊपर। अब इसने ऊपर जाना है तब भी इसकी एनर्जी लगेगी, अगर इसने पेयर करना है तब भी इसकी अपनी एनर्जी लगेगी लगेगी। पेयरिंग करने के लिए अपने एनर्जी को देगा तभी वो वहां पे पेयर कर पाएगा, या इसको ऊपर जाना पड़ेगा तो अगर एनर्जी यूज करेगा तभी वो जंप कर पाएगा। दोनों कंडीशन में इसकी अपनी एनर्जी खर्च हो रही है, मतलब इसकी पॉकेट से इसके पैसे जा रहे हैं। अगर ऊपर जाएगा तब भी जाएंगे, नीचे रहेगा तब भी इसके पैसे इसकी पॉकेट से जाएंगे जाएंगे, इसकी एनर्जी इसकी पॉकेट से जा रही है। तो ये पहले ये देखेगा कि कहां पे मेरा खर्चा कम हो रहा है, ऊपर जाने से मेरा खर्चा कम हो रहा है या नीचे रहने से मेरा खर्चा कम हो रहा है। अगर इसकी पेयरिंग प्रॉपर्टी पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी तो वो पेयर अप नहीं करेगा। अगर पेयरिंग एनर्जी उसकी ज्यादा होगी तो मतलब वहां पे उसको अपनी एनर्जी ज्यादा यूज करनी पड़ेगी, एनर्जी ज्यादा यूज करनी पड़ेगी तो वो क्यों करेगा, वो वहां जाएगा जहां पे उसका खर्चा कम होगा, तो वो कहां चला जाएगा, ऊपर वाली स्टेट में। और अगर उसकी पेयरिंग एनर्जी कम है और डेल्टा ओ की वैल्यू जो है एनर्जी वो ज्यादा है तो कहां जाएगा, वो जहां पे उसकी वैल्यू कम होगी। पेयरिंग में एनर्जी कम है तो कहां चला गया, पेयरिंग करने। तो ये दो कंडीशन है, ये डिपेंड करेगी उसकी पेयरिंग एनर्जी कैसी है या तो उसकी क्रिस्टल फील्ड की वैल्यू कितनी है, इन दोनों वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करेगा कि इसकी कंडीशन कहां होगी, ऊपर जाएगा या नीचे पेयरिंग करेगा। तो लिखिए इसके अंदर, फॉर डी फोर कॉम्प्लेक्सेस, फॉर डी फोर कॉम्प्लेक्सेस There are two possibilities. Number one, all the four electrons may occupy the lower set of orbitals. With one electron get paired. That is T2G4. It experiences a strong crystal field splitting. From the electron already there. Number second, the three electrons occupy the lower sets of orbital. And fourth electron goes to the higher state, that is T2G3 EG1. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, स्टार पॉइंट या डॉट लगा लो। दीज टू पॉसिबिलिटीज डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, दैट इज डेल्टा नॉट, magnitude of crystal field splitting, that is delta O, and the pairing energy, that is P.